केजरीवाल की बदौलत दिल्ली वालों की बचत, पूछिए कैसे। देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कभी सुना है किसी राज्य में सरकार ने लोगों का पैसा बचाकर उनकी जेबें भरी हो? कभी नहीं सुना ना? चलो हम आपको बताते हैं। सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च एंड सोशल डेवलपमेंट द्वारा 11 जिलों में किए गए अध्ययन से सामने आया है कि केजरीवाल सरकार की कई योजनाओं से दिल्ली के लोगों का प्रति माह 2500 रुपए बच रहा है। दिल्ली एकमात्र राज्य है जहां बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का बस सफर सब मुफ्त है। जब सब मुफ्त में है और केजरीवाल सरकार टैक्स का पैसा अपनी जेब में ना डालकर जनता की जेब में ही डाल रही है, तब बचत तो खूब होगी। सबसे अधिक 1267 रुपए की बचत शिक्षा पर हो रही है। अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाने पर 1071 रुपए, 715 रुपए की बचत। बिजली सब्सिडी पर तो मुफ्त पानी की स्कीम से 325 रुपए और महिलाओं को बस में मुफ्त सफर की सुविधा मिलने से 426 रुपए की बचत हो रही है। सभी जिलों के जिन घरों को भी अध्ययन में शामिल किया गया तो सामने आया है कि सभी घरों का बिजली का बिल जीरो है। इसमें से 55.2% घर अनाधिकृत कॉलोनी में है, जबकि 76.1% लोगों को मुफ्त पानी और 43.7% को मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलता है और 58% महिलाएं बसों में मुफ्त सफर करती हैं। वहीं 64.7% लोग मुफ्त इलाज करवाते हैं। केजरीवाल सरकार की योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी को 61% लोग भविष्य की योजनाओं के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस की बचत खाता योजना में डालने लगे हैं। अब आप क्या सोचने लगे? यही ना कि आखिर अपने राज्य की जनता का कौन सी दूसरी सरकार इतना ख्याल रखती है? तो ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि केजरीवाल सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो जनता का इतना ख्याल रखती है, बाकी सरकारें केवल टैक्स वसूलती हैं। जनता की बचत तो केजरीवाल सरकार ही करवाती है, ये नतीजा है एक ईमानदार सरकार का। अगर आप किसी और राज्य से हैं, तो सोचना जरूर, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी भी ऐसे ही बचत हो? आपने हर पार्टी को मौका दिया है, इस बार आम आदमी पार्टी को मौका देकर देखें। जैसे दिल्ली वाले भाजपा और कांग्रेस को भूल गए, आप भी बाकी पार्टियों को भूल जाएंगे।